खबर मध्य प्रदेश की उमरिया जिले की है, जहां इन दिनों जिले में किसान बिजली समस्याओं को लेकर खासा परेशान है और फसलें सूख रही हैं, जिसको लेकर लोगों ने उमरिया कलेक्टर में ज्ञापन सौंपकर 24 घंटे के भीतर बिजली की समस्याओं को सुलझाने की बात कही। लेकिन जब बिजली विभाग के द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई, तो आज उमरिया जिले के दुबार, डिंडोरी, अचला, ताली लोढ़ा, भरोला सहित दर्जनों ग्रामीणों ने दुबार के राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों तक चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक हम नहीं उठेंगे। आंदोलन को उग्र रूप देखते हुए मौके पर पाली SDOP शिवचरण बोहित, चंदिया तहसीलदार कर्तव्य अग्रवाल, थाना प्रभारी मंजू शर्मा सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि बिजली विभाग के डी अभिषेक ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बात कर फुल वोल्टेज के साथ 14 घंटे लाइट देने का लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खोल दिया। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम दुबार एवं आसपास के ग्राम के किसानों द्वारा बिजली कटौती को लेकर जो है कल ज्ञापन दिया गया था, उसके संबंध में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जो है बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यपालन अभियंता जी के द्वारा इनको लिखित आश्वासन दिया गया है और सप्लाई देने के लिए और हाई वोल्टेज बिजली देने के लिए आश्वासन दिया गया है। उस संबंध में कार्य किया भी जा रहा है और जो है जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा समस्या। तो अभी आधे घंटे पहले ही किया गया था विरोध प्रदर्शन के लिए, कल उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था जिसकी सुनवाई की गई है। AE साहब आ गए थे, पर इनकी मांग ये थी कि DE साहब आ जाए वो सुन लें, इसलिए वो आके उन्होंने सुना है और आश्वासन दिया। आश्वासन दिया गया है कि शिफ्ट में बिजली दी जाएगी और उसका वोल्टेज हाई रहे, ताकि उसके संबंध में भी कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा। आज उन्होंने कल दिनांक को ये दुबार पाली के यहाँ पे आसपास के 5-6 गांव के लोग गए थे कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने कि पानी नहीं बरस रहा है, बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण बिजली आपूर्ति को लेकर के। और उसके बाद उन्होंने ज्ञापन देकर के यहाँ 24 घंटे का देखा के चक्का जाम करने के लिए बताया था, जो आज व्यवस्था ना बन पाने के कारण उन लोगों ने चक्का जाम किया था यहाँ पे। उस दौरान बिजली विभाग से DE साहब आए थे, उन्होंने उन्हें लिखित में आश्वासन दे दिया है कि शिफ्ट बाई शिफ्ट इनकी बिजली की पूर्ति की जाएगी। उन्होंने चक्का जाम किया था, वर्तमान में चक्का जाम खुल गया है, आवागमन प्रभावित नहीं है, आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। कितने घंटों से चक्का जाम था? आधे घंटे से चक्का जाम था। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल एक ज्ञापन दिया गया था ADM साहब को, कलेक्टर साहब के नाम का, जिसपे ADM साहब ने बिजली विभाग को वहाँ मौके पर बुलाया। बिजली विभाग ने आश्वस्त किया था कि आज सवेरे 8 बजे तक बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। एक व्यवस्था अल्टरनेट व्यवस्था चालू कर रहे थे, जिसमें यह था कि 4-4 घंटे के स्लॉट में आपको लाइट 14 घंटे के अप्रॉक्स दी जाएगी, जो ये नहीं कर पाए। उस कारण से पब्लिक किसान उग्र हो गया और रोड पे आ गया, जैसा उसने कहा था। तो अभी मौके पे DE साहब रहे, तहसीलदार साहब की उपस्थिति में ये आश्वासन दिया गया है लिखित में कि आज शाम को 6 बजे से 4-4 घंटे के लॉट की व्यवस्था की जाएगी फुल वोल्टेज के साथ में। अब कार्रवाई जनता मैदान में आ चुकी है सर, तो मेरा निवेदन है कि शासन प्रशासन से कि इस चीज को समय रहते पूरा करा दे, नहीं पब्लिक है, आक्रोशित है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब किसान है, भूखों मर जाएगा, तो वो अपने पेट के लिए लड़ रहा है, ना कि किसी राजनीति के लिए लड़ रहा है।